नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केशव ट्रेडिंग कंपनी में। तो दोस्तों, आपको पता है चाय पत्ती के व्यापार संबंधी बातें हम इस चैनल के माध्यम से दोस्तों करते रहते हैं। तो दोस्तों, इस सिलसिले में जो आज की वीडियो है दोस्तों, वो होने वाली है आपके ब्लेंड को लेके। पिछले दो तीन वीडियो में भी हमने आप लोगों को बताया कि ब्लेंड जो है वो एक्चुअली में होता क्या है और कहाँ का इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। दोस्तों, आगे भी दोस्तों अभी बहुत सारे वीडियोज आपको जो है ब्लेंड को लेके आने वाली है। हम आपको एक कंप्लीट ब्लेंड बनाना सिखाएंगे कि आप घर पे भी ब्लेंड कर सकते हैं चाय दोस्तों। तो आज ये दूसरी या तीसरी वीडियो है ब्लेंड की। इसमें हम आपको बताएंगे ब्लेंड के लिए रिक्वायर्ड मशीनरी। ये आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन सवाल रहते हैं दोस्तों। आप लोगों ने कई बार पूछा हमसे, हमारे वीडियो के कमेंट में भी और दोस्तों वर्बली भी आप लोग जब मिलते हैं कि ब्लेंड कैसे बनाते हैं। आपको पहला वीडियो काफी पसंद आया दोस्तों कि ब्लेंड होता क्या है, किस चीज को ब्लेंडिंग बोलते हैं। और आज ये दूसरा वीडियो है दोस्तों कि ब्लेंड करने के लिए जो आपको मशीनरी रिक्वायर्ड है वो क्या होती है। तो आज का वीडियो कंप्लीट देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको जो है कि किस टाइप की जो मशीनरी है उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है ब्लेंड बनाने के लिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, देखिए जब आप इनिशियल लेवल पे स्टार्ट करते हैं, यानी कि घर से आपने एक छोटा बिजनेस स्टार्ट किया है, आप लोग 5-7 कट्टे चाय लेके आए हैं और आप उसको जो है मार्केट में धीरे धीरे निकालना स्टार्ट कर रहे हैं, तो दोस्तों उसको आप घर पे ब्लेंड बना सकते हो बहुत आराम से। और उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको किसी भी प्रकार की कोई मशीनरी की रिक्वायरमेंट उसमें नहीं रहती है। अगर आप जो है कम क्वांटिटी का अभी काम कर रहे हैं, आप लोग का जो मंथली जो फ्लो है वो 500 किलो से 1000 किलो तक का है, तो आप लोगों को जो है मशीनरी की दोस्तों कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप लोग उसको घर पे मैनुअल ब्लेंड कर सकते हैं। मैनुअल ब्लेंड करने के लिए दोस्तों आपको कोई ज्यादा तामझाम की जरूरत भी नहीं पड़ती। आप लोगों को जितना क्वांटिटी को ब्लेंड करना है उतना क्वांटिटी जो है आप एक फर्श पे कुछ बिछा लीजिए अच्छा सा, और उस पर आप लोग जो है वो चाय के कट्टे ओपन करिए और उनको आराम से हाथ से दोस्तों मिला सकते हैं। इस टाइप से दोस्तों आप जो है उसको वन बाय वन, एक बार इधर से इधर मिला सकते हैं, एक बार इधर से इधर मिला सकते हैं। तो इस टाइप से उसको अच्छे से मिला लेंगे तो दोस्तों एक कम क्वांटिटी का ब्लेंड तो दोस्तों तैयार हो जाता है। तो उसके लिए आपको कोई मशीनरी की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आपका जो है क्वांटिटी बड़ा है और आपके डेली का जो फ्लो है वो 1000 kg के आसपास या 500 kg का है, तो दोस्तों फिर मैनुअल ब्लेंडिंग जो है उसमें काफी टाइम लगता है और आप लोग जो है सप्लाई प्रॉपर नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए दोस्तों मार्केट में दोस्तों अलग अलग टाइप की जो मशीनें हैं वो अवेलेबल हैं, जिनको ब्लेंडर बोलते हैं दोस्तों हम लोग। साइड में आप एक फोटो देख रहे होंगे दोस्तों, इस टाइप की जो मशीनें हैं, इस टाइप की मशीन जो है उनको हम बोलते हैं दोस्तों ब्लेंडर। ये आते हैं दोस्तों ब्लेंडिंग करने के लिए काम। ये बेसिकली एक वही इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड मोटर वाली मशीन होती है, जो कि आप जैसे उसमें चाय पत्ती डालेंगे, अपने जो भी ग्रेड है लीफ वगैरह सब डालने के बाद उसका ढक्कन बंद करके, और वो ऑटोमेटिक जो मोटर है उससे घूमते रहता है दोस्तों। उसके अंदर ब्लेड्स लगी होती हैं जो कि उसको अच्छे से मैश करने के लिए हेल्प करती है दोस्तों। तो उसको ब्लेंडर बोलते हैं और वो काम आता है दोस्तों जब आपकी बहुत उस क्वांटिटी में जो है ब्लेंड हो रहे हैं, डेली का आपको 1000 kg का ब्लेंड करना है या 2000 kg का ब्लेंड करना है, तो उनकी आवश्यकता आपको तब पड़ती है। उससे पहले मैं कहता हूं कि ब्लेंडिंग के लिए आप लोगों को मशीन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हाँ, ये है कि मशीन से ब्लेंड जो बनते हैं वो दोस्तों काफी किफायती होते हैं, काफी अच्छे ब्लेंड बनते हैं। उनका जो मिलावट करने का जो तरीका है दोस्तों, जो मिक्स होती है, जो मिश्रण बनता है, वो बहुत ही अच्छा मिश्रण बनता है दोस्तों, तो ये जरूर हम कह सकते हैं। लेकिन वो दोस्तों देखिए काफी महंगी भी पड़ती है वो मशीनें, तो आप लोग जो है स्टार्टिंग लेवल पे इन चीजों में बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाए, क्योंकि ब्लेंडिंग की मशीन जो काफी कॉस्टली आएगी और आपको स्टार्टिंग में इतना ब्लेंड करना ही नहीं है तो उस चीज की जरूरत है नहीं। तो आप मैनुअल ब्लेंडिंग पे फोकस करें। जब आपका जो मंथली ब्लेंड बनता है 1000 kg 500 kg का, तो आप लोग जो है किसी भी प्रकार की इस टाइप की कोई मशीनें परचेज ना करें, बिना मतलब कि आपका जो पैसा है वो होल्ड हो जाएगा दोस्तों। तो उस पैसे को बजाय मशीनरी पे इन्वेस्ट करने के आप जो है अपने चाय पत्ती का स्टॉक पे इन्वेस्ट करें, या फिर जो भी आपके क्लाइंट वगैरह जिनको चाय आप बेच रहे हैं तो उन पे निवेश करें, तो वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। आप ऑफर स्कीम वगैरह लेके आए वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा बजाय किसी एक ऐसी मशीन को लाने के जो कि आप उस मशीन के बजाय भी काम कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको क्लियर हो गया होगा, अगर आपका काम बड़ा है तो ही आप लोग जो है मशीन पे फोकस करें, अदरवाइज आप मैनुअल ब्लेंडिंग ही करें, ज्यादा बेनिफिट रहेगा। और मैनुअल ब्लेंडिंग में अगर आपको ज्यादा सीखना है तो लगातार ये जो वीडियोज आ रहे हैं दोस्तों उनको देखते रहें, आपको वन बाय वन सारी चीजें क्लियर करते चलेंगे कि किस टाइप से मैनुअल ब्लेंडिंग भी बहुत अच्छा ब्लेंड बना सकती है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, और वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी टाइप के जो हेल्पफुल कंटेंट है हम इस चैनल पे दोस्तों लाते रहते हैं। धन्यवाद।